हेलो एवरीवन मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ ये टेस्टी एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आप वेट लॉस के लिए अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं बिल्कुल शुगर लेस रेसिपी है ये और फिर भी शुगर नहीं है उसके बावजूद ये टेस्ट में काफ़ी अच्छा है आप एक बार ट्राई कीजिए और रोज आप इसे खा सकते हैं ढेर सारा फाइबर है ढेर सारी प्रोटीनस हैं एंड जो गुड फैट हमारी बॉडी को चाहिए वो गुड फैट भी है इसमें एंड वेट लॉस डाइट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एज अ ब्रेकफास्ट सो मैं काफ़ी टाइम से ये ब्रेकफास्ट अपने डाइट में ले रही हूँ और बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही हेल्दी है एंड ये जो मैंने बनाया ये वन सर्विंग बॉल है जो एक आदमी के लिए फुल पेट है जो ब्रेकफास्ट में होना चाहिए जितनी ज़रूरी जितनी कैलोरीज होनी चाहिए तो so, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक फ्राइंग पैन में मैंने लिया है लगभग आधी कटोरी जैसा ओट्स लिया है यानी कि ऑलमोस्ट आपको 20 ग्राम ओट्स चाहिए होता है एक दिन में 20 से 50 ग्राम आपको ओट्स चाहिए होता है अपने ब्रेकफास्ट के लिए सो मैंने ये लिया है 20 ग्राम ओट्स लिया है और मैं उसे बहुत ही धीमी आँच में उसे रोस्ट कर रही हूँ सबसे लो फ्लेम में हमें रखना है और उसे रोस्ट करना है प्लेन ओट्स है मसाला ओट्स नहीं लेना है प्लेन ओट्स आपको अलग से मार्केट में मिल जाएंगे आप चाहें तो जितना आपने ले रखा है उसको पहले से रोस्ट करके आप रख सकते हैं तो आपको हर रोज बार बार उसे भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मैं यहाँ पे लिया है मैंने 20 से 50 ग्राम आप ले सकते हैं मैंने 20 ग्राम लिया हुआ है और आप देखिए धीरे धीरे इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे ये ब्राउन होता जा रहा है कलर काफी अच्छा लगने लगा है प्लेन वाइट से अब इसका कलर चेंज हो चुका है भून चुका है अब मैंने इसमें 200 सौ दूध ऐड किया है और जितना मैंने दूध ऐड किया है उतना ही या उससे थोड़ा सा कम आप पानी ले सकते हैं या उसका आधा आपके ऊपर डिपेंडेंट है आप उसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखना चाहते हैं तो मैंने दूध का थोड़ा आधा उससे ऊपर पानी लिया है यानी कि 100 ml से ज्यादा मैंने पानी लिया है एंड 200 ml दूध था और अब मैं इसे थोड़ा सा स्टेयर कर रही हूँ और Uh, जो आँच है वो मैंने थोड़ा बढ़ा दिया जब तक इसमें uh, उबाल आएगा तो so, क्योंकि आँच बढ़ाया हुआ है इसलिए आपको बीच बीच में इसे हिलाते रहना है ताकि ये जो है नीचे बैठे नहीं ओट्स जो है वो नीचे बैठे नहीं जले नहीं अब देखिए इसमें उबाल आनी शुरू हो गई सो मैंने आँच को अब वापस से धीमी कर दी है और उसके बाद इसे मैं uh, दो मिनट पकने दूंगी तो आपको ये ब्रेकफास्ट बनाने में हार्डली दस मिनट लगेंगे फाइव मिनट्स आपको रोस्ट करने में लगेंगे एंड फाइव मिनट्स इसे पकने में लगेंगे सो तो मैंने फ्लेम कम्प्लीटली ज़ीरो कर दिया है और ज़ीरो आई मीन सबसे लो कर दिया है और देखिए अब ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है जैसे जैसे ओट्स पकता जाएगा ये धीरे धीरे गाढ़ा होता जाता है और अगर आप इसे बना रख देंगे तब भी ये अपनी कंसिस्टेंसी चेंज कर लेता है सो so, ये कम्प्लीटली अब इसमें बॉयल होने लग गया है उबाल आने लग गया है सो so, अब मैं इसका फ्लेम जो है ऑफ़ कर दूंगी एंड ऑफ़ करने के बाद भी ये थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी में चेंज होगा ऑफ़ करने के बाद मैं इसमें पीनट बटर ऐड करूँगी पीनट बटर में जो फैट होता है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है इसमें गुड फैट होता है एंड पीनट में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं सो so, डाइट के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं तो so, मैंने एक चम्मच लिया है उससे ज़्यादा नहीं लेना है एंड ये जो ओट्स है वो गर्म है उसकी वजह से ये इसमें आसानी से मेल्ट होके मिक्स हो जाएगा तो so, आपको इसे मिक्स करना है एंड देखिए इसका कलर वापस से चेंज हो गया है पीनट बटर की वजह से एंड अच्छे से ये मिक्स हो चुका है अब मैं इसमें ले अब मैं इसे आ, सर्विंग बॉल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो so, मैंने ये सर्विंग बॉल ले लिया है और मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ अच्छे से अब आपको इसे 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देना ताकि ये खाने लायक टेम्परेचर में आ जाए गरम गरम तो नहीं खा सकते अब इसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका है अब मैं इसमें फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ तो फ़िलहाल मेरे पास है एप्पल तो मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का एप्पल ले लिया है और अगर आपके पास अनार है या फिर और भी कोई फ्रूट्स हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं तो आप वो ले सकते हैं फिलहाल मेरे पास एप्पल है तो मैंने एप्पल ले लिया अगर आप कोई भी फ्रूट ऐड नहीं करेंगे अलग से खाना चाहते हैं तो भी चलेगा बस आ, मुझे फ्रूट्स डाल के खाना बहुत अच्छा लगता है टेस्ट इसका इंक्रीज़ हो जाता है तो ये मिक्स करने के बाद मैं इसे ऊपर से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ तो किशमिश होता है वो डाइजेस्ट होने में हमें मदद करता है इसलिए मैंने इसमें किशमिश डाली है एंड देन मैं इसमें थोड़ा सा काजू ऐड कर रही हूँ बाकी ड्राई फ्रूट्स मैं सुबह ऑलरेडी खा चुकी हूँ इसलिए मैंने इसमें सिर्फ काजू ऐड किया है सो so ये मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है एंड टेस्टी हेल्दी फुल ऑफ फाइबर ओट्स में ढेर सारा फाइबर होता है एंड आपको वेट लॉस के लिए फाइबर लेना बहुत ज़रूरी है तो आप ये ब्रेकफास्ट अपने डेली के डाइट में ऐड कर सकते हैं तो ये मीठी रेसिपी है बिना किसी चीनी के एंड पीनट बटर की वजह से इसमें हल्की सी मिठास आ जाती है एंड रोस्ट होने की वजह से भी टेस्ट काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है सो तो आप ट्राई करके मुझे बताइए आपको कैसा लगा थैंक यू सो मच